पब्लिक तावुन करे यार। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये माइक जरा नीचे करें, थोड़ा सा माइक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन हुआ है आरओ की तरफ से, ये आप देख लें, इसकी तस्वीर बना लें, मैं पढ़ के भी आपको बताता हूँ। ये नया लेटर जारी किया है रिटर्निंग अफसर साहब ने अभी, मैं पढ़ के बताता हूँ। इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान द कंसोलिडेटेड प्रोसेस फॉर NA-47 ICT-2 हैज बीन पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द ECP। ये आज 11/2/2024 का लेटर है। इसकी रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुबह स्टे दिया था उसको इंप्लीमेंट करते हुए इन्होंने वो ऑर्डर जारी कर दिया। जो एक बात आपको बता दूं, इमरान खान ने एक बात एक साल पहले की थी, ये लोग जो लंदन प्लान वाले लोग हैं और इनके तीन काम करने का इनका फैसला है। सबसे पहले ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, उसको नाअहल करेंगे, और उसके बाद दूसरा काम करेंगे ये मेरी पार्टी को डिसमेंटल करेंगे, उसके लिए किंग्स पार्टियां जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। तीसरा काम ये करेंगे जी, तीसरा काम ये करें पीछे हो जाए, तीसरा काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के सारे मुकदमात ये क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। जब ये ख़त्म कर लेंगे, पार्टी डिसमेंटल कर लेंगे और इनको जेलों में डाल देंगे, फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उससे पहले कभी नहीं जाएंगे। ये लंदन एग्रीमेंट का एक हिस्सा है और इन्होंने यही किया। अब जब देखा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गई, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। जब हम नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने गए तो हमारे नॉमिनेशन फॉर्म छीनने शुरू कर दिए, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जब नॉमिनेशन फॉर्म ही छीन लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। जब इसमें कामयाब नहीं हुए तो हमारे प्रपोजर सिकेंडर उठा लिए, जब इसमें भी कामयाब नहीं हुए हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए, जब इसमें भी कामयाब नहीं हुए तो इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला करके 90% से जायद हमारी टॉप जो लीडरशिप थी बशमूल मेरे, हमारे कागजात रिजेक्ट कर दिए। मैं मीडिया की मौजूदगी में इसी रिटर्निंग अफसर के साथ गया, मैंने कहा आखिरी दिन मैंने कहा मुझे बताएं कोई मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा मीडिया ने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी नहीं है। रात को 12 बजे ऑर्डर आया, मुझे भी इन्होंने नाअहल कर दिया। हम हाई कोर्ट में गए, हम अपने कागजात बहाल करके आए। बहाली के बाद जब इन्होंने देखा ये तो बड़ी अक्सरियत से जीत जाएंगे, इन्होंने फिर क्या किया, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। उसके बाद बल्ले का निशान छीनने के बाद हाईकोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमारे उस फैसले को सेटिसफाइड कर दिया। फिर ये इत्मीनान कर गए कि कौम तो बेशऊर है, कौम तो अपना होश आवाज खो बैठी है, कौम तो नहीं उठेगी। इन्होंने कहा किस किस से हमारा मुकाबला करेगा, कोई फाख्ता होगा, कोई बूट होगा, कोई बैंगन होगा, कोई पैराशूट होगा, और उसके हजारों की तादाद में हमारे मुख्तलिफ हमारे निशान दे दिए। जब देखा ये तो फिर जीत रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और अपने हल्का इस्लामाबाद की तो अलग से बात कर रहा हूँ। क्या किया, रोज हमारे खिलाफ FIR, हमारे लोगों को जिसके पास हम मीटिंग करते थे अगले दिन या उठा लेते थे या उनके खिलाफ FIR देते थे या उनके घरों में छापे मारते थे और तमाम SHOs उनको फोन करते थे। जब ये सब कुछ अलग हो गया, इलेक्शन डे आया, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा इलेक्शन डे पे आप कम्युनिकेशन का जरिया खत्म कर दें। इन्होंने नेट खत्म किया, मोबाइल खत्म किया, पूरा इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, अपने मुल्क का तमाशा दिखाया। और उस तमाशे के बाद क्या करते हैं, रात को रिजल्ट आ जाता है, पूरा मीडिया दिखा रहा है। हम खुद फॉर्म 45 को कंसोलिडेट करके ले आए हैं। इन्होंने क्या किया आपके सामने है, जो मैंने वोट लिए हैं 1,04,570, जो मेरा मद्दे मुकाबल वोट ले रहा है सिर्फ 51,000, फर्क कितना है, मोर देन 53,000, 53,000 से ज्यादा का सिर्फ फर्क है। और पूरे आपने मीडिया ने चलाया, रात को आपको पता है 12 बजे के बाद बंद कर दिया गया, मीडिया को कहा तुम न चलाओ, और यहाँ रात सारी हम खड़े रहे, बैठे रहे, ना हमें एक्सेस दी गई, ना हमारे रिजल्ट को उसके मुताबिक बनाया गया,
और बाहर जो मेरा वोट था वो तारिक फजल के हक में, जो तारिक का वोट था वो मेरे हक में। यानी ये सारा फ्रॉड करने शुरू हो गए। जब उनके पास मैं लेके चला गया फॉर्म 45, मैंने कहा ये कैसे कर सकते हो, उन्होंने वो जो बाहर लगा हुआ था सारा स्क्रीन सिस्टम उसको उठा के ले गए। और उसके बाद हम 1 बजे तक धरना देके यहाँ बैठा रहे। जब 1 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने क्या किया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में 1 मिनट पहले वो नोटिफाई कर दिया फॉर्म 47 और मेरे मुखालिफ को जितवा दिया। और उसके बाद आज हम इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन ने ये सारा रिकॉर्ड देखने के बाद इनका प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन आज रोक दिया जो इन्होंने 12 बजे करना था। मगर मैं ये कहता हूँ, क्या आप मुल्क को साथ लॉयल हैं? क्या मुल्क के साथ सिंसेयर हैं? इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम पर आपको तरस नहीं आता? क्या ये मुल्क मेरा और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को आपने नहीं देखना? क्या इस फ्रॉड के जरिए आप सियासी इस्तेकाम ले आएंगे? क्या सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई कानून उठा लें, दुनिया का कोई मुल्क उठा लें कि जहाँ निज़ाम इंसाफ कानून इस तरह बिक रहा हो, जहाँ इस तरह डकैती हो रही है, जहाँ इस तरह जुल्म हो रहा हो, वहाँ ना मुल्क तरक्की करते हैं ना महकमें तरक्की करती हैं। आज प्रैक्टिकली डिफॉल्ट के करीब पहुँच चुके हैं। मुझे बताएं, इस फ्रॉड के जरिए, इस धांधली के जरिए, इस डाकाजनी के जरिए जो हुकूमत बनेगी वो चल पाएगी? क्या वो मेरे, क्या वो मुल्क के माशी मसाइल हल कर पाएगी? क्या मेरा और आपका ये मुल्क नहीं है? क्या हमारे बच्चों के फ्यूचर नहीं है यहाँ? क्या हम लोगों ने जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनके खिलाफ मेरा आपका फर्ज नहीं है कि हम एहतजाज करें, हम अपना हक लें? आईन के मुताबिक हक के हुक्मरानी है सिर्फ और सिर्फ अवाम का। अवाम अपने में से जिसको नुमाइंदा बनाना चाहे वो बनाए। जब अवाम की उमंगों के बरक्स आप डाकू को सर पे मुसल्लत कर देंगे, बिठा देंगे, मुझे बताएं कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? ओवरसीज आपके पास पैसा लेकर आएंगे? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या आप मुल्की इकाइयों को आप तबाह करना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं? मुझे बताएं, सारी इंटरनेशनल मीडिया ने आपको कोट किया। जब आप कश्मीर की बात करेंगे, आप तो मुहिब वतन है ना सारे, जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो मुझे बताएं, तो कश्मीर में जब कहते हैं कि कठपुतली वजीर आला है, जब कश्मीर में कहते हैं बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, जब इंसाफ का जनाजा निकला जा रहा है, तो मुझे बताएं, जब आपके मुंह पे ये तमाचा मारेंगे, ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने ला खड़ा करेंगे, आपके पास जवाब क्या होगा? लिहाजा एक शख्स की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इतने मत गिर जाओ कि मुल्क के तमाम इदारे डिस्क्रेडिट कर दो, मुल्क के तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दो, मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, मुल्क के 25 करोड़ अवाम को माशी तबाही में ढकेल दो और मुल्क के बुनियादी इकाइयों को कमज़ोर कर दो। ये तुम्हारा फैसला तो हो सकता है लेकिन अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिहाजा आज से जब तक हमारा रिजल्ट दुरुस्त नहीं होगा, रोजाना 2 बजे हम यहीं आएंगे, हम यहाँ एहतजाज करेंगे जो कि हमारा बुनियादी हक है, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे हुकूक हमें नहीं मिल जाते हम इस अपने हक को लेकर रहेंगे। और दूसरी बात, आज भी मैं उनको कहता हूँ जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करते हैं, उनको चाहिए चले जाओ जेल, माफी मांग लो। एक शख्स की दुश्मनी में मुल्क को आपने 2 साल में कंगला करके तबाह बर्बाद कर दिया, आपने रेफरेंडम देख लिया, लोग कौम आप सिर्फ इमरान खान को चाहते हैं, जाओ माफी मांग लो, वो फतेह मक्का की तरह तुम्हें माफ कर देगा, इंशाल्लाह मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा। और अगर आपने इस तरह की घटिया हरकतें जारी रखी तो मुल्क का नुकसान होगा, और तुम लोग जो चंद बदमाशिया ऊपर बैठा हुआ है वो बदमाशिया को लोगों ने खसो खाशा की तरह मिटा देना। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे काले कोट के ऊपर पुलिस ने हाथ फाड़ा, हाथ डाला और यूनिफॉर्म फाड़ी है, बुकला के ऊपर तशद्दुद किया है, खवातीन बुकला के ऊपर तशद्दुद किया है, क्या आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? मार्च का क्या आपको लाइअमल बनाएंगे? इस्लामाबाद का और सीवर बार का हाईकोर्ट के लिए क्या क्या आप बुकला के लिए? हमारे वकीलों को साथ जाति की, उनके कोट फाड़े जो मेरे साथ मेरे एजेंट या हमारे साथ थे, हम उसके बारे में डीसी को कह दिया है, पुलिस को कह दिया है,
कि उसकी इंक्वायरी करें, उनको नौकरी से बर्खास्त करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। और अगर FIR दर्ज ना हुई, हम अदालत में जाएंगे, हम वहां से इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे, इनको जेलों में भी भेजेंगे, इनको नौकरी से भी बर्खास्त कराएंगे। ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन के रोज आपको अंदर आरओ ऑफिस जाने की एक्सेस नहीं दी गई, आज आप अंदर गए, आरओ साहब से भी मिले, DRO से भी मिले, तो क्या उन्होंने आपकी यकीन दहानी करवाई और आपको यकीन है कि ये आपके जो नतायज बदले गए हैं ये दुरुस्त हो पाएंगे यहाँ से, या फिर आपको अदालत उसमें जाना पड़ेगा? देखें, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है अल्लाह इनकी आंखों के ऊपर जो पर्दा आया हुआ है वो हटा दे, क्योंकि बेजमीर इंसान भी कभी जिंदा जमीर तो उनका हो सकता है ना, इंसान है, उनको जमीर जगाने की कोशिश की है। RO हमें नहीं मिला, रिटर्निंग अफसर, DC जो DRO है बाहर मिला हमें, उसको भी सारा पता है, इनको भी पता है, डाका नहीं इन्होंने की है, उस डाके को खत्म करने का वक्त आ चुका है। हम इंशाल्लाह अपने हुकूक हासिल करने तक ये जिदोजहद पर अमन जिदोजहद हम जारी रखेंगे। उधर मैं आके अपने आवाम से खिताब करूंगा, उसके बाद हम इसको डिस्पर्स होंगे। एक बात जब मैंने आपको बताई थी ना, तीन बातें कि इमरान खान ने पिछले साल कहा था कि ये तीन काम होंगे तो इलेक्शन में जाएंगे, एक चौथी बात भी की थी जो मैं जज्बात में रो में मैं आपको नहीं बता सका, चौथी बात ये की थी कि ये तीनों काम करने के बावजूद जीतेगी PTI। आज अल्हम्दुलिल्लाह PTI जीत चुकी है, हम किसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर हम असेंबली में जाएंगे, हम इनको एक्सपोज करेंगे, हम इंशाल्लाह लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम 2/3 मेजॉरिटी से जीत चुके हैं, इन डाकुओं को डाका जनी नहीं करने देंगे, हम अपना हक हासिल करेंगे। शहीद जहीन जिंदाबाद, शहीद जहीन जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। एक मिनट, एक मिनट रुको यार, शेख शहीन साहब अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो क्या आप करूँ बीचों की तरफ होगा? हमारा कि आजाद परिंदों की उड़ान को रोकने के लिए कुछ बताइए। हमने पहली बात तो ये है कि हमारे चेयरमैन साहब इमरान खान का हुक्म है कि RO ऑफिस के सामने आपने एहतजाज करना है, हम रोज करेंगे। दूसरी बात, आइंदा का लाहेमल आइंदा बताएंगे। तीसरी बात, हम आजाद नहीं हैं, हम PTI के मेंबर हैं, उनके नामिनी हैं, और वो बेगैरती होगा जो जो इमरान खान का एक अमानत लेके उसमें खयानत करेगा। आ जाए भाईजान, पकड़ लें।